की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। मौजूद सामीन, आज हम सब यहां तहफ़्ज़ नामोस रिसालत, तहफ़्ज़ नामोस कुरान और तहफ़्ज़ नामोस सहाबा के लिए सरापा एहतजाज हैं और अक़वाम आलम को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि हम मुसलमान अपने नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं और अपनी किताब कुरान की नामूस के लिए अपनी जानें निशावर करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और सहाबा इकराम और जितने भी मुअज्जम शख्सियात हैं इस्लाम के नजदीक, हम उन सब के लिए सीना सपर हैं और हर लम्हा इस्लाम कुरान और नामूस रिसालत के लिए तैयार हैं। इसलिए आज हम मुतनब्बे करते हैं कि अक़वामे आलम उन लोगों को खुद सजा दें जिन्होंने कुरान को जलाया, जिन्होंने हुजूर के खाकों की बात की। अगर ऐसा ना हुआ, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर अपने नबी की नामूस का बदला लेंगे, कुरान की हिफाजत के लिए अपने सीने हाजिर कर देंगे। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी और मुसलमानों के सीने सामने रहेंगे। और इसके साथ साथ हम मोसले अहले सुन्नत, मोसले इस्लाम, कंजुल उलमा, मुवक्किल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आजम जलाली की बिना वजह गिरफ्तारी की मुजम्मत करते हैं और हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि फिर फौर उनको बाइज्जत रिहा किया जाए, वरना पूरे मुल्क के अंदर हर हर मोहल्ले में, हर हर गली में एहतजाज शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान की नामूस के लिए, इस्लाम की नामूस के लिए, नामूस रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।